मस्ती का आलम है, मेला घूमना है। और नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, एसएस आई ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त हम हैं पट्टा साहिब का, ये झाओगंज का ये दृश्य है। और प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर मेला लगता है, और साथ ही जब सावन महोत्सव आता है तो काफ़ी हलचल रहता है। ये दृश्य जो देख रहे हैं, ये प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर मेला लगता है, छोटा छोटा झूला है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना भूल गया हूँ, लेकिन इस मेले में कुछ खास ऐसा है, कुछ खास भी है और कुछ विलुप्त होता जा रहा है। हम उस विलुप्त होने के कारण और वजह जानकारी लेंगे, और इस मेले में क्या खास है ये भी जानकारी लेंगे। और इस मेले में सबसे पुराना अगर गुड्डा गुड्डी का अगर है तो ये है, ये 20 रुपया है भैया। क्या हुआ, लीजिए। हाँ, और हम इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ? हेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए, सबसे पुराना जब मेला जब से लगा है तब से ये बिक्री होता है ना, क्या लग रहा है? अभी भी लोग खरीदारी करते हैं? बिकता है, थोड़ा थोड़ा बिकता है। अच्छा, जिसको पसंद पड़ता है वो लेता है, जिसको नहीं पसंद पड़ता नहीं लेता। इसका कितना दाम है? 20 रुपया तो कह रहे हैं। 20 रुपया जी, पहले की तुलना में उतने ज्यादा तो बिक्री नहीं होगा। पहले बिकता था 15 रुपये में, 15 रुपये में। अच्छा, अब बिक रहा 20 रुपया। पहले जो खरीदारी है वो 15 रुपया था, लेकिन अब 20 रुपया। अभी भी कुछ लोग जो हैं वो खरीदारी करते हैं। बच्चे के लिए जो है ये खरीदारी किया जा सकता है। छतरी है, और ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है भाई, ये RJD का लग रहा है, ललटेन है। अब जलाकर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर तमाम है, यहाँ पर ये देखिए घिरनी है, और ये इसको क्या कहते हैं? इसको पोट कहते हैं। हाँ, पोट कहते हैं। अच्छा, पोट कहते हैं, वो बर्तन में पोट जो होता है ना, वो टेबल पर रखा जाता है। तो तमाम चीज़ को इस मेले में आप अगर देखेंगे तो बहुत तरह के यहाँ पर है। तोता है, ये तोता है, और ये देखिए घड़ी है, बच्चों लोग के लिए खास पसंद ये सब है। चलिए कुछ और जगह। घड़ी है, कितना बज रहा है घड़ी में आपका? घड़ी में अभी 8 बज रहा है। घड़ी में अभी 8 बज रहा है भाई, देखिए घड़ी में बज रहा है नहीं कुछ, जनाब कह रहे हैं घड़ी में 8 बज रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या है जनाब? सब ठीक है ना? अल्लाह ताला का सब ठीक है ना? सब बढ़िया है। चलिए, वाह क्या बात है, मेरा का मस्ती करना है भाई। कहाँ से बेचने के लिए आए जनाब? कहाँ से आए बेचने के लिए? जाले थाना से आए। जाले थाना से आए? बाप रे बाप, बहुत दूर जाए जाले थाना, जहाँ जीवेश कुमार मिश्रा है, मंत्री हैं। मधुबनी से आए हैं, दरभंगा से आए हैं? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला से आए हैं, खरीदारी यहाँ पर है, अच्छे तरह से खरीदारी कर सकते हैं। मेले में आए हैं और महिलाओं लोग खरीदारी नहीं करें तो फिर मेला का मजा ही। और यहाँ पर जो देख सकते हैं, तमाम जो लेडीज़ का है ये आइटम है, ये तमाम जो भी आप अगर देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमाम तरह का रिबन है, कान का है, और ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम जो भी महिलाएं जो आती है तो इस चीज़ पर लोग ज़्यादा जोर देती है। वैसे मेला तो घूमना है, मस्ती के संग मेला घूमना जाता है। खरीदारी हो रही है ऐसे ही, कुछ कुछ मेला में आए तो कुछ खरीदेंगे ही, क्योंकि ऐसे तो जाना नहीं है मेला में, और मेला में जाना है तो कुछ खरीद के आना है। महिलाओं की पहली पसंद यही है ये। हाँ, है ना? हाँ। नाम हुआ आपका? शम्मी कपूर मेरा नाम। शम्मी जी, बताइए मेले में क्या खासियत? देखिए, एक पौराणिक मेला है, गंगा तट पे गुरु गोविंद सिंह घाट पर ये बसा एक पौराणिक मेला है, और सदियों से ये मेला लगता आया है। ये मेला प्राचीन सब मंदिर चौक थाना में स्थित है, और ये मंदिर से चलता है यहाँ जो बाबा लोग हैं, और ये कम से कम ये मेला 400 सालों से यहाँ लग रहा है। मेला तो बहुत धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। विलुप्त होने का कारण है कि जगह की तंगी है, और प्रशासन की तरफ से बहुत सारे चीज़ का आदेश नहीं है। नहीं तो यह मेला कभी मदरसा तक और आगे गंगा तक लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण इसका संकीर्ण दायरा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए परेशानी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या मस्त है, एकदम से बांसुरी बेच रहे हो, पहले के अपेक्षा बांसुरी का क्या खरीदारी लोग करते हैं क्या? नहीं, जो नहीं, ये अभी नहीं खरीद रहा है लोग। क्यों? ये बहुत आइटम इसका इक्वल गया है। क्यों, क्या कारण है? कारण है कि अब बच्चा लोग अब ज्यादा चाइनीज आइटम मांग रहा है लोग, खिलौना बांसुरी अब खत्म हो गया। क्योंकि सबसे पहले जो पुराना में जो होता है बांसुरी होता है, मालूम होना चाहिए। जी सर। हाँ, ये क्या है? क्या है मतलब, ये क्या बोलता है? बाजा है सर।
मस्ती का आलम है। मेला घूमना है तो बांसुरी या फिर ये कीजिएगा। चलिए अच्छा बात है। और ये क्या है ये दिखाइएगा तो पहले। ये चिड़िया है बच्चा की। क्या है? चिड़िया, छोटा बच्चा की। छोटा बच्चा कितना भी नाम है इसका? 10 रुपये। चलिए बहुत बढ़िया। और ये बांसुरी के खरीदारी लोग को, हाँ बीच का है बांसुरी, तो इससे बड़ा वाला कितने का है? इससे 1200 का है, 50 का है। 150 वाला खरीदारी होता है? नहीं लेता है। नहीं ना, तो आप सिखाते क्यों नहीं बांसुरी? बहुत बढ़िया बजाते हैं आप। बजाते तो है ना। कहाँ से आए हैं? छपरा जिला। हाँ छपरा जिला। तो ये सप्ताह में तो एक दिन मेला लगता है, तो फिर क्या होता है? नहीं यहीं रहते हैं गुलजार बाग में। मेला कैसा है इस बार? ये नहीं है सर, हम अभी आए हैं बैकटपुर से। अच्छा, 5 बजे आए हैं बैकटपुर से। वहाँ का मेला ठीक था? हाँ वहाँ ठीक। मेला में आप सभी तरह के खरीदारी कर सकें या कर लीजिए, झूला झूल लीजिए, लेकिन अगर चाट नहीं खाए तो फिर मज़ा बेकार है। लुत्फ़ उठाना है यहाँ पर तमाम लोग। क्या नाम हुआ मैडम? रानी देवी। मेले की खरीदारी हो गई है लेकिन चाट बहुत जरूरी है। हाँ चाट बहुत पसंद है। क्यों? अच्छा लगता है। मेले में और क्या क्या खास है? यहाँ का चाट और गोलगप्पे ये ज़्यादा फेमस। बस हमको यही पसंद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबका अलग अलग पसंद है यहाँ पर। कैसा मेला, क्या लगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लड़का लोग देखिए मेरे साथ में है, कितना मजा आ रहा है। हम लोग साथ में है सब। देख रहे हैं, आज पहली बार इतना मजा आ रहा है। अच्छा, हाँ पहले नहीं आती थी क्या? मैंने आती थी, उतना लड़का लोग नहीं रहता था, लेकिन इतना सब फौज सब है। देख रहे हैं, देखिए भाई तो पूरी टीम है ये पूरी। ये बताइए करना कुछ नहीं, मेले में क्या खास आपको लगा? बच्चा का झूला खास है। बच्चा का झूला और कुछ ऐसा कुछ और मतलब अच्छा है सब कुछ, झूलने के लिए झूला है, खिलौना है, यही सब है। तो बच्चा लोग आजकल तो मोबाइल का जमाना चला आया, तो खिलौना तो अब देखना नहीं पसंद करता है? नहीं नहीं, लेकिन मेला में पसंद कर रहा है बच्चा लोग। बचपन मतलब लग रहा कि वो आ गया यहाँ पे। अच्छा, जो पहले जो मेला, हाँ, हाँ, तो पहले का मेला तो जादूगर और सर्कस लगा करता था। वो नहीं, नॉर्मल ही है, लेकिन ठीक है बच्चे लोग के लिए। इतना मेला काफी है। हाँ ठीक है भाई, मेले तो हम आपको घुमा दिए हैं, और जो विलुप्त होता जा रहा है उस पर भी हमने चर्चा चलाया है। तमाम तरह के जो मिठाइयाँ हैं उस पर भी चर्चा चलाया है, झूला है, और जितने भी तरह का जो भीड़ है वो तमाम चीज़ से हमने आपको अवगत करवाया है। अब चले आते हैं कि सावन महीने में भगवान का दर्शन करना बहुत जरूरी है। ये है पीतल के महादेव के नाम से प्रचलित है, यहाँ पर बर्फानी बाबा के रूप में यहाँ सजा हुआ है, बहुत खूबसूरत यहाँ सजता है। और लोगों का एक धारणा है कि जो भी यहाँ पर अगर सच्चे मन से लोग बाबा से मांगते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और शहर पटना सिटी के तमाम मंदिरों में भी, चाहे वो पटना सिटी चौक नहीं चला का बाबा त्रिलेश अमरनाथ का मंदिर हो, वहाँ भी एक खूबसूरत सा सजा हुआ है बाबा शंकर का ये दृश्य है, और तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अगर मांगेंगे सच्चे मन से तो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं एक नए अंदाज के साथ, नए उत्साह के साथ में। हर हर बम बम।